पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैं अपने मायके पहुंच चुकी थी, वैसे स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी फिर हम चाय दूध मतलब मेरे भतीजे का आज बर्थडे है तो आधा काम यहाँ पे मतलब खाना आधा बन चुका है, छोले और मिक्स वेज बन चुकी है, पूरी रायता बना दी तुम लोगों ने, नहीं अल्लाह बनाएंगे मतलब अल्लाह मतलब पहाड़ी में अभी अभी बनाएंगे रायता, बाकी छोले पूरी छोले और सब्जी बन चुकी है, रायता बना रहे हैं पूरी चाय पी का आनंद ले रहे हैं, पीते हैं फिर थोड़ा जो काम बजा करते हैं फिर हम होते हैं तैयार। तो चाय पीने के बाद हम लोग आगे किचन में, यहाँ पे बना रायता, दही में बूंदी डाल दी, रायते वाली, हरा धनिया और हरी मिर्च अभी काटेंगे, और यहाँ पे ना टमाटर का पेस्ट रखा है क्योंकि छोलों को मतलब छोले बना रहे हैं, और मुझे पता नहीं था कि छोले बनाए नहीं है, मुझे लगा कि बना दिए हैं और सिर्फ उबाल के रखे थे इन्होंने, और बस यहाँ पे छोला और रायता भी बन रहा है। मस्त हो गई थी, शाम का 5 बज गए, नींद आ गई मेरे को, यहाँ पे इन्होंने बर्फ खिलाने स्टार्ट कर दिए, देखिए तैयार हो गई हूँ मतलब, और मैंने पहना नायरा सूट, देखिए तो यहाँ पे मैं बोलती मेरा वीडियो बना दो मतलब सूट का वीडियो बना दो कैसा लग रहा है करके, बोलते अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अब मैं पिठा छालती हूँ और यहाँ सब लोग तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ, ठीक है, ऐसा होता है ना जो सबसे जो पीठा छालता है मतलब घोलता है वही पीठा सबसे पहले लगा, तो मैंने इसको घोला तो मैं लगाऊंगी सबसे पहले और फिर दूंगी बाकी लोगों को, ठीक है चलिए फिर अभी लगाओगे बाद में लगाओगे, केक कट करने के समय पे लगाओगे पीठा, अभी जितना कम हो गया ना ए, तू लगा फिर सबको ना, तू लगा ना, तू लगा, तो मैं अपनी बहन से बोलती कि टीका तू लगा सबको करके, मतलब मेरी चाची की बेटी से, तो उसने सबसे पहले अपनी मम्मी को लगाया यानी कि मेरी चाची को टीका लगाया उसने, फिर यहाँ पे बैठे हैं भाभी लोग और उसने भाभी लोग को भी लगाया, क्योंकि धीरे धीरे लोग आते रहते हैं फिर भूल जाते हैं, तो हमने कहा जितने लोग बैठे हैं स्टार्ट कर लो टीका लगाना, फिर उसने लगाया है अपने जीजा जी को यानी कि मेरे हस्बैंड को टीका। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए थे तो हमने फटाफट से बोला कि चलो, फिर लेट हो जाता है, सर्दियों के दिन होते हैं जो दूर से भाभी लोग चाची लोग आए थे उनको घर भी जाना था, तो हमने कहा फटाफट केक कट कर लेते, लेकिन वैसे भी ना शाम का 6:30 तो बज ही गया था, और यहाँ पे कैंडल वेंडल लगा दी है केक में। तो यहाँ पे देखिए केक कट हो चुका है, केक उसको खिला भी चुके हैं बर्थडे बॉय को, लेकिन एक चीज़ भूल गए थे, क्या भूल गए थे पता है, जो बर्थडे कैप नहीं आती वो पहनाना भूल गए थे इसको, तो बस अभी पहना दिया है, वैसे हो ही जाता है ना मतलब, लेके हम सब रखे रहते हैं एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हम लोग भूल ही जाते हैं, तो बस सभी ने बारी बारी ऐसा हो रहा है तो हम भी खाली रख दिया छोले में, यहाँ बनेंगे फटाफट पूड़ियाँ और वहाँ लोग बैठे गए पहले की
तो यहाँ पे देखिए दो दो कढ़ाइयाँ रख दिए चूल्हे में, क्योंकि ना पहले एक में लेट हो जा रहा था क्योंकि बच्चे लोग खाना खाने बैठ गए थे, तो हमने फटाफट से दूसरे कढ़ाइयाँ रखे, दो दो कढ़ाइयों में पूड़ियाँ तली। गुड मॉर्निंग, और कल रात के बाद से ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, बस मैं अभी उठी, अभी नहीं उठी, वैसे बहुत देर पहले उठे फ्रेश होके, अभी यहाँ बन रही है चाय। गुड़ का रखा है, गुड़ ठीक है, आओ फिर सब लोग बैठो चाय वाय पीते हैं। ज्योति का है बहुत चाय है यहाँ, बूंदी बूंदी नहीं, ना तो मामी को आवाज लगा चाय पी लो, बोल जाए कहाँ है, और सुबह सुबह सब यहाँ काम में बिजी है, तो मैं चाहे सुबह से चाय नहीं चाय पी, चलो चाय ले आओ अपने अपने सब, आ जाओ ज्योति चाय लेके, नती खाट में गिरूंगी। और भी बन रहा है ब्रेकफास्ट, मतलब सब्जी रात की बची है तो यहाँ से रोटी बन रही है, और हस्बैंड को जाना हॉस्पिटल अपनी, मतलब जो मैंने बोला था ना फिंगर में थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है उंगलियों में, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर भीड़ लग जाती है, यहाँ पर भी वीडियो खोल रहे हैं लोग, नैतिक हाय अभी बिजी है वो, तो बस मैं इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर लोग जाएंगे, तो ठीक है भाई यहीं पर आज के ब्लॉग एंडिंग करती हूँ, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा जरूर बताइए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।